हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, यानी कि 6 के गुने में, प्लस 4 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। ये डिज़ाइन आपका फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा और इस डिज़ाइन को आपको बना कंप्लीट करने के लिए 12 रोज बनानी होगी। 12 सलाइयों का डिज़ाइन है। डिज़ाइन पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो आपकी फ्रंट साइड से स्टार्ट होगी। तो मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ। पहला फंदा एज स्टिच का बुन लीजिए या स्लिप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं स्लिप कर ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आगे 2 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2, ठीक है। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 4 फंदा उल्टा। पैटर्न की रो नंबर 1 है ये, देखिए 1 2 3 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, एज स्टिच को छोड़कर ये जो 6 फंदे हमने बनाए वही रिपीट करेंगे। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा। 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, एज स्टिच सीधा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 और रॉन्ग साइड से जितनी भी सिलाइयाँ बनेंगी आपने जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 फंदा स्लिप करके, 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा। 1 2 3 4, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर 2 फंदा उल्टा, एज स्टिच उल्टा। देखिए रो नंबर 1 और 2 जैसे हमने बनाई है, सेम टू सेम रो नंबर 3 और 4 भी हम बना लेंगे, ठीक है। रो नंबर 1 2 की तरह रो नंबर 3 और 4 बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करके, 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, जल्दी जल्दी बनाएंगे। फिर 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 2 फंदा सीधा, एज स्टिच सीधा। रो नंबर 4 पे आ गए, पहला फंदा स्लिप करके, 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो मेकअप वाला चैनल है वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। वहाँ पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देख लीजिए। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आए, आपके काम का हो, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक प्यार दिया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से 4 सलाइयाँ हमने बना ली, ठीक है। रो नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, पहला फंदा स्लिप करके, अब ये 2 फंदे जो सीधे हैं इन्हीं पर डिज़ाइन डलेगा। देखो ये 4 फंदे हैं, ये जो 2 फंदों के बीच में ये जो लूप दिख रहे हैं ना, ये गैप 1, फिर इसके नीचे देखो 2 3 और ये 4, 4 लूप, चौथा 4 फंदा बैक आएंगे यहाँ पे और यहाँ से एक लूप बनाएंगे इस तरह से, ऐसे देखो 1 2 3 और ये 4, ऐसे। पहले इसको हम यहाँ पे एक साइड कर लेंगे, अब देखिए यहाँ से एक लूप बनाएंगे ऐसे और इस लूप को ऐसे रख देंगे। ये मेन फंदा सीधा और ये लूप दोनों को 2 का 1 करते हुए सीधा बनाएंगे। फिर देखिए इसी जगह से एक लूप और बनाएंगे हम ऐसे, फिर इसको ऐसे रखेंगे, मेन फंदा सीधा और एक ये लूप 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे, फिर से देखिए 1, इन दोनों के बीच में 1 2 3 और ये 4, एक लूप यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे और ऐसे लगाएंगे, ये सीधा फंदा और एक एक लूप 2 का 1, फिर एक लूप यहीं से फिर से एक और बनाएंगे, फिर
फिर इस वाले सीधे फंदे के साथ घटा देंगे इसको, दो का एक कर देंगे ऐसे, 1 2 3 4, ये चार फंदा आपने बना लिया उल्टा, धागा पीछे। फिर से देखो इन दोनों के बीच में 1 2 3 और ये 4, यहां से ऐसे रखेंगे, दो का एक, इसी जगह से एक और लूप बनाएंगे ऐसे, दो का एक, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। ये देखिए छठवीं सलाही यानी कि सिक्स्थ रो, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे बस आपका डिजाइन पूरा चेंज हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी गलत बनाया तो। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद धागा पीछे, एक फंदा आप सीधा बना लीजिए। अब देखो ये दो फंदे, ये उल्टा फंदा, इसके बगल में जो दो फंदे हैं सीधे, इनको ऐसे पकड़ेंगे, इनको आगे ले आएंगे और ये उल्टे फंदे को पीछे ले जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे बेसिकली, जैसे ट्विस्ट करते हैं। अब इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2। अब देखिए फिर से ये जो उल्टा फंदा है ये, अब इसको हम पीछे से पकड़ेंगे ऐसे, इनको इस फंदे को आगे ले आएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, अगले दो फंदों को भी सीधा बना देंगे ऐसे। फिर देखिए फिर से ये दो फंदे सीधे हैं, इनको आगे लेकर आएंगे, उल्टे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे ऐसे, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ से ये उल्टा फंदा ऐसे पकड़ेंगे और इनको ऐसे ले आएंगे। सारा खेल आपका जो है ना इसी में बिगड़ सकता है अगर आपने ये रो बिल्कुल ध्यान से नहीं बनाई तो। एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा, देखिए ये हमने 6 सलाइयां बना ली और डिजाइन हमारा इस तरह से देखिए कितना 3D लुक में एकदम उभार आया इस डिजाइन में। अब ये जो डिजाइन बना है हमारा 3, अब ये डिजाइन यहाँ पे बनेगा सेंटर में, ये जो 4 फंदे हमने उल्टे बनाए थे ना इनमें से बीच के 2 फंदों पे। तो देखो रो नंबर 7 देखना, पहले पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरह, अब 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे। देखो ये डिजाइन का जो लास्ट का एंड का फंदा है और इस डिजाइन का एंड का फंदा, इन दोनों को सीधा बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा। ये है रो नंबर 7। रो नंबर 8 जो जैसा दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाना है, पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, लास्ट में 3 फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। अब देखिए ये जो रो नंबर 7 और 8, 7 और 8 जो बनाई है ना, यही आपको रिपीट करनी है आगे 9 और 10। जैसे रो नंबर 1 2 बनाई थी, फिर आपने उसको 3 और 4 में रिपीट किया था, वैसे ही रिपीट करनी है, एक फंदा स्लिप करके, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। तो ये जल्दी जल्दी बनाएंगे, रो नंबर 9, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, एज स्टिच सीधा, पहला फंदा स्लिप करके, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 2 फंदा उल्टा, ये वो नंबर 10 है, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा।
अब देखो रो नंबर 11 पर आ गए, रो नंबर 11 12 देख लेना ध्यान से। अब इन दोनों फंदों पे डिजाइन पड़ेगा। डिजाइन तो वैसे बहुत सीधा है, बहुत आसान है, बस समझने का फेर है। तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखो इन दोनों के बीच में चार फंदा बैठ जाएंगे, देखो 1 2 3 और ये लास्ट में 4। ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, 2 का 1, फिर यहीं पे एक फंदा और एक लूप और निकाल लेंगे ऐसे। अब इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4, धागा पीछे, फिर देखो 1 2 3 4, यहां से एकदम लास्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चार सिलाई बनाते हैं ना हम एक जैसी, वो इसीलिए बनाते हैं जिससे हम चार फंदा बैक जा सके यहां से ये बनाने के लिए। फिर से एक लूप बनाएंगे यहां से इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदा उल्टा। 12th रो, कभी भी 12th रो और आपकी जो है 5th रो सॉरी 6th रो, ये स्किप मत कर देना, ठीक है? अगर कर दिया होगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ। धागा पीछे, एक फंदा आप बना लो सीधा। अब देखो ये 2 फंदे सीधे, इसके बगल में ये उल्टा है ना, तो ये उल्टा फंदा को आपको पीछे से पकड़ना है, ध्यान है ना, उल्टे को पीछे से पकड़ के आगे लाना है। तीनों को सीधा बनाएंगे, 1, और ये 3। अब सीधे फंदों को आगे से ऐसे उठाएंगे और ये इनको आगे ले आएंगे, ये फंदे को पीछे ले जाएंगे ऐसे, 1 2 3। फिर देखो ये उल्टा फंदा है, इसको ऐसे पकड़ेंगे पीछे से, इनको आगे ले आएंगे, 1 2 3। सीधे फंदों को ऐसे पकड़ेंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को आगे ले आएंगे, 1 2 3। एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। देखो ये 12 सलाइयां जो आपको बताई हैं, ये सलाइयां आपको बस बार बार रिपीट करते हुए जाना है। डिजाइन पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बन के आएगा, आप देख लीजिए। जब आप इसे ज्यादा फंदों पे बनाएंगे डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए बहुत सुंदर डिजाइन बन के आता है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, जिससे कि और लोग, आप लोगों के साथ साथ और लोग भी इस डिजाइन को बना सकें। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है, फ्रंट साइड से इस तरह से दिखाई देता है। और गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।